नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं एक ताइवान टेंपल में जाने वाला हूँ। ये टोक्यो से एक दूसरा प्रीफेक्चर है, साइतामा प्रीफेक्चर, जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। सिटी का नाम है सोकोदो सिटी, जो कि साइतामा प्रीफेक्चर में है। आज मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूँ, गाड़ी चलाने के लिए दादी माँ है, जापानीज दादी माँ, सुमिछा है उनका नाम, और विनीता जी है मेरे साथ। ये मेरे लिए भी काफी सरप्राइजिंग ट्रिप है। और जब मैं उसके बारे में सर्च कर रहा था, वो ताइवान टेंपल के बारे में, ताइवान कल्चर का लार्जेस्ट टेंपल है मतलब जापान में, और उसको बनाने में भी काफी 3-4 साल का वक्त लगा। आज थोड़ा बारिश भी हो रही है तो वेदर इतना अच्छा नहीं है। जो भी है, सुमिछा के साथ सुमिछा ड्राइविंग कर रही है तो पीछे मतलब बैठ रखे। ये वाली स्टाइल मतलब पहली बार है मेरी ब्लॉगिंग के लिए। सुमिछा दोस्तों, अभी हम जापानीज सोयू ट्रेडिशनल सॉस, जापान में काफ़ी फेमस है सोयू सॉस, और इनके स्पाइस में आप ये मान सकते हैं कि सोयू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मशीन से भी बनाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल वे है सोयू बनाने का, उस वाली दुकान में जाने वाले हैं हम। तो दिखाते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। दोस्तों ये सोयू फैक्ट्री का स्टोर रूम है। ये फैक्ट्री 140 साल पुरानी है। सोयू बनाने के लिए जौ, नमक और सोयाबीन्स मुख्य तत्व हैं। जो आप ये छेद देख रहे हैं ना, ये सारे इंग्रेडिएंट इसी में डालने हैं, जो पाइप की मदद से लकड़ी के बने कंटेनर में पहुंच जाते हैं। ये लकड़ी का बना बकेट है, इसको 150 साल तक यूज करते हैं। ये अभी बिल्कुल नया है। दोस्तों रोबोट फैक्ट्री में सोयू को बनने में सिर्फ 1 महीने का समय लगता है, पर सोयू बनाने का ये पारंपरिक तरीका है, जिससे यहाँ सोयू बनने में 1-2 साल का टाइम लगता है। जो आप वुड बकेट में पेस्ट देख रहे हैं ना, इसी से सोयू बनेगी। इस समय समय पर लकड़ी से इसको घुमाना पड़ता है। दोस्तों जब पेस्ट पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाएगा तो उसे कपड़ों में रखा जाता है और सोयू को छाना जाता है। बाकी जो ये बचा हुआ माल है उससे फर्टिलाइजर बनाने में यूज करते हैं। ये जनाब यहाँ के गाइड हैं, जो कि काफी हैंडसम है। ये मैं नहीं, ये इन्होंने खुद कहा है। दोस्तों अब यहां से नमस्ते जापान ब्लॉग आपको जापान के सबसे बड़े ताओ टेंपल, ताइवान टेंपल में ले जाने वाला है। टेंपल का नाम सेतेन क्यू है। दोस्तों पहुंच गया मैं हूँ ताइवान टेंपल पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है सुंदर टेंपल। वो हाँ तो दिखाता हूँ मैं इसके व्यूज आप।
लाल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इस पे विश लिखनी है, जो भी विश आप लिखेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। मतलब ऐसे यहाँ पे इस मंदिर में आने वालों की आस्था है। मतलब तो मैंने अभी भगवान से विश मांग ली है, फिलहाल मैंने 1 सब्सक्राइबर्स मांगे हैं। दोस्तों मंदिर ये बड़ा मस्त है यार, काफ़ी बड़ा मंदिर है, ताओइस्ट ताइवान का ताओ टेम्पल है ये ना। दोस्तों जो ये है ना मेरे पास, जो मैंने वाला विश मांग रखी है भगवान से, वो अब यहाँ पे टांगने वाला हूँ मैं। नमस्ते जापान ब्लॉग, 1 सब्सक्राइबर, 1000 मंथली। これだけで150ですね。あとこれ全部螺鈿といって、あの真珠の貝の裏側を、ね、こう切ってはめ込んでいくので、反射が綺麗ですね。真珠の反射になっております。あるね、シェフさん、それの手作ってる。あと結構座られてる雰囲気ありますよ。これ絶対。दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई जर्नी पे, तब तक के लिए सायोनारा, जय हिंद जय भारत।